राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी का भारत में स्वागत किया। आगमन के पश्चात राष्ट्रपति अल सिसी के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की और विभिन्न मसलों पर चर्चा की। चर्चा के उपरांत मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बैठक में उठाए गए मसलों की जानकारी दी और कहा कि भारत और मिस्र के संबंध 4000 वर्षों से भी पुराने हैं और वर्तमान समय में भी यह संबंध स्थिर रहे हैं। योर एक्सेलेंसी राष्ट्रपति सिसी, दोनों देशों के मंत्रीगण एवं डेलीगेट, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति सिसी और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। राष्ट्रपति सिसी कल हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। ये पूरे भारत के लिए सम्मान और हर्ष का विषय है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इजिप्ट की एक सैन्य टुकड़ी भी हमारे गणतंत्र दिवस में भाग लेकर के परेड की शोभा बढ़ा रही है। फ्रेंड्स, भारत और मिस्र विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। हमारे बीच कई हजारों वर्ष का अनवरत नाता रहा है। 4000 वर्षों से भी पहले गुजरात के लोथल पोर्ट के माध्यम से मिस्र के साथ व्यापार होता और विश्व में विभिन्न परिवर्तनों के बावजूद हमारे संबंधों में एक स्थिरता रही है और हमारा सहयोग निरंतर सुदृढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी आपसी सहयोग में और गहराई आई है और मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे मित्र राष्ट्रपति सिसी के कुशल नेतृत्व को देना चाहूंगा। इस वर्ष भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इजिप्त को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है, जो हमारी विशेष मित्रता को दर्शाता है। फ्रेंड्स, अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरी ओर इजिप्त है। दोनों देशों के बीच सामरिक समन्वय पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए मददगार होगा, इसलिए आज की बैठक में राष्ट्रपति सिसी और मैंने हमारी द्विपक्षीय भागीदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि भारत इजिप्त स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हम राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में और अधिक व्यापक सहयोग का लॉन्ग टर्म ढांचा विकसित करेंगे। भारत और इजिप्त दुनिया भर में हो रहे आतंकवाद के प्रसार से चिंतित है। हम एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक और इसके लिए हम साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सचेत करने का प्रयत्न करते रहेंगे। हमारे बीच सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं। पिछले कुछ वर्षों में हमारी सेनाओं के बीच जॉइंट एक्सरसाइज ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्यों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। हमने आज की बैठक में अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को और मजबूत करने और काउंटर टेररिज्म संबंधी सूचना एवं इंटेलिजेंस का आदान प्रदान बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं तथा रेडिकलाइजेशन को फैलाने के लिए साइबर स्पेस का दुरुपयोग एक बढ़ता हुआ संकट है, इसके खिलाफ भी हम सहयोग बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, कोविड महामारी के दौरान हमने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तथा ग्लोबल सप्लाई चेन पर जो दुष्प्रभाव पड़े उसको करीब से देखा है। राष्ट्रपति सिसी और मैं इस चुनौतीपूर्ण काल में निकट संपर्क में रहे और दोनों देशों के आवश्यकता के समय एक दूसरे को तत्काल सहायता भेजी। आज हमने कोविड और उसके बाद यूक्रेन संघर्ष के कारण प्रभावित हुए फूड और फार्मा सप्लाई चेन को उस पर भी मजबूत करने की दिशा में व्यापक चर्चा की है। हम इन क्षेत्रों में आपसी निवेश और व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता पर भी सहमत हुए हैं। हमने मिलकर यह तय किया कि अगले 5 वर्षों में हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को $12 बिलियन तक ले जाएंगे। फ्रेंड्स, COP27 को सफलतापूर्वक होस्ट करने और क्लाइमेट के क्षेत्र में विकासशील देशों के हितों को सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए हम इजिप्त की सराहना करते हैं। संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय फोरम में भारत और इजिप्त का लंबा और बेहतरीन सहयोग रहा। हम दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए डिप्लोमेसी और डायलॉग की आवश्यकता पर भी सहमत है। एक्सलेंसी, मैं एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं।
मैं आपको और इजिप्त के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें राष्ट्र प्रथम। वंदे मातरम। जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।